गुड इवनिंग। टुडे माई टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, प्रेजेंटेड बाय निधि गुप्ता, MSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट रेतु रमन मिश्र PG कॉलेज, सूरजपुर। माई टॉपिक इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड, सेकेंड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, एंड थर्ड, एग्जाम्पल। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड। A quadrupole bond is a type of chemical bond between two atoms involving 8 electrons. The more stable quadrupole bond are most common transition metal in the middle part of D block, such as rhenium, tungsten, molybdenum, chromium. That means quadrupole bond एक type का chemical bond होता है जिसमें किसी दो metal के बीच 4 bonds बनते हैं। जब किसी दो metal के बीच 4 bonds बनते हैं तो इस तरह के bond को क्वाड्रुपल बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल मेटल के बीच 4 बॉन्ड बना है, दैट मीन्स इस बॉन्ड को हम लोग क्वाड्रुपल बॉन्ड कहेंगे। तो क्वाड्रुपल बॉन्ड जो है इसमें एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड बनता है। देन हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम इसमें देखेंगे बॉन्डिंग इन रेनियम कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा रेनियम कॉम्प्लेक्स है। अब देखेंगे हम इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जब 2ReO4- का रिएक्शन HX और H3PO2 के प्रेजेंस में कराया जाता है तो हमारा रेनियम कॉम्प्लेक्स बनता है। देन हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो 1σ and 1π बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1σ and 2π बॉन्ड बनता है। उसी तरह मेटल मेटल के बीच जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो 1σ, 2π and 1δ बॉन्ड बनता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिजनरेट डी ऑर्बिटल होता है, तो डिजनरेट डी ऑर्बिटल में dxy, dyz, dzx, dx²-y² और dz² सेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस जब dz² और dz² दो रहनियम है हमारे पास, तो एक रहनियम का dz² और दूसरे रहनियम का dz² आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। dyz, dzx साइडवाइज ओवरलैपिंग करके 2π बॉन्ड बनाते हैं। एंड देन लास्ट dxy and dxy साइडवाइज ओवरलैपिंग करके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा क्वाड्रुपल बॉन्ड्स बनते हैं। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो हमारा जो रेनियम कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या है, रेनियम हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक्स। तो रेनियम यहाँ पर दो है तो 2×X कर दिए। प्लस हमारा क्लोरीन के लिए हम लोग -1 काउंट करते हैं और क्लोरीन यहाँ पर 8 है इसलिए 8×-1 हो जाएगा। और इज इक्वल टू हमारा चार्ज कितना है स्फीयर में, -2। तो हम लोग -2 लिखेंगे। देन आफ्टर 2×X-8=-2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो रहनियम के लिए हमारा आंसर 6 और एक रहनियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +3। देन हम इसका एमओ डायग्राम देखते हैं। तो एमओ डायग्राम में हमारा जो एमओ डायग्राम है इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। जब अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, रेनियम कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल किया गया है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, जब हम लोग जो हमारा रेनियम कॉम्प्लेक्स है इसमें एक रहनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो रहनियम है, दैट मीन्स हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जो दो रहनियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आया है उससे माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हम लोग 14 से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एमओ डायग्राम में फिल करेंगे। तो जब एमओ डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है तो सबसे पहले सिग्मा में भरा जाता है, देन पाई में, देन डेल्टा में भरा जाता है। अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन इसी में भरा गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग के लिए तो बचे ही नहीं। अब हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NV-NA/2। तो हम NV क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NA नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। 8-0/2 आंसर कितना है, 4। दैट मीन्स क्या बता रहा है कि हमारे दो मेटल के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये पेयर्ड होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो मल्टीप्लिसिटी क्या बताती है कि दो मेटल के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्वाड्रुपल बॉन्ड। तो मल्टीप्लिसिटी को निकालने के लिए फर्स्टली हमें मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करना होता है। तो मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है 18×N-VE/2 होता है। तो वेयर K जो
equal to multiplicity of metal bond, n is equal to total number of metal atom, and ve is equal to valence electron. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो हमारा जो एग्जाम्पल है Mn2CO10 है, ठीक है. इसे हम तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, वी आर द टोटल नंबर ऑफ मेटल. हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, हमारा जो Mn2CO10 कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 2 हैं, ठीक है. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. सेकंड स्टेप क्या बोलता है, वी फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mn2CO10. ओके, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे. जैसे हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल में निकालते हैं, तो Mn क्या करता है, 7, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 × 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज कितनी है, 2 है. प्लस CO कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए 2 × 10 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 34. स्टेप थर्ड क्या बोलता है, नाउ पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला. अब हम लोग इस सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 × 2 − 34 / 2. तो इसका आंसर क्या आया, 1. सो द टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज 1. दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि हमारा जो मेटल बॉन्ड बना है इस कंपाउंड में, उसमें मेटल के बीच एक बॉन्ड बना है, ठीक है. देन हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में Fe3CO12 है, ठीक है. तो Fe3CO12 में हम लोग इससे फर्स्ट में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम निकालते हैं. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. देन सेकेंड स्टेप में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ जो Fe है, ओके, तो Fe क्या है, Fe के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और Fe कितनी है, 3. तो 8 × 3 हो जाएगा, प्लस हमारा जो CO है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 × 12 क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा CO ग्रुप है वो 12 है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करें. देन इसका आंसर कितना है, 48. अब ऑल वैल्यू को थर्ड स्टेप में हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑल वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है. ऑल वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 × 3 − 48 / 2. सॉल्व करने पर हमारा K इज इक्वल टू क्या आया, 3. दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, सो द टोटल मेटल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज 3. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, इस कंपाउंड में 3 बॉन्ड बने हैं, ठीक है. यदि आपको पर मेटल एटम निकालना है कि एक मेटल कितना बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 18 × VE / N. तो इस फॉर्मूला से आप पर मेटल एटम के बॉन्ड्स को भी निकाल सकते हैं. और इस तरह हमने देखा कि दो मेटल के बीच किसी भी कंपाउंड में दो मेटल के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है. दैट्स इट. थैंक यू.